वहीं बुरहानपुर जिले के नेपानगर में प्रथम हिंद रामचंद्र बाबूलाल केसरी के निधन से जिले के साथ देश भी आहत हुआ है। केसरी को श्रद्धांजलि देने पहुंची पूर्व मंत्री विधायक और प्रदेश भाजपा प्रवक्ता अर्चना चिटनिस ने परिवार को ढांढस बांधने का बंधाने के साथ ही प्लास्टिक मुक्त परिवार और समाज को प्लास्टिक से मुक्त की प्रेरणा दी। कहा कि पिता की स्मृति में प्लास्टिक मुक्त होने का संकल्प भी दिलाया। पूर्व मंत्री ने जमीन दिलाने के लिए प्रयास करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि हिंद केसरी के नेपानगर में स्टैचू लगाना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है, जिससे कि शहर में पहलवानी की प्रेरणा युवाओं में बनी रहेगी। प्रथम हिंद केसरी परम आदरणीय रामचंद्र पहलवान जी, हम उनको सबको प्रेम से अपनेपन से बोलते थे, उनके परिवार में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने मैं यहाँ पधारी थी। और सच में एक अद्भुत व्यक्तित्व के धनी, पहलवानी के साथ साथ उनमें बहुत सी विशेषताएं थी। वे हारमोनियम भी बजा लेते थे, वे बांसुरी भी बजा लेते थे, वे उनको ईश्वर ने कुछ विशेष ऐसा अंदर से कुछ दिया था गुण कि वो छोटे मोटे चोट मोच उनका हाथ लगते ठीक हो जाते थे। ये एक बहुत बड़ी क्षति है देश के लिए भी, प्रदेश के लिए भी और हमारे नगर के लिए। सबसे बड़ी हमारी नगर का गौरव थे, हमारे नगर का प्रिया। मेरा बचपन उनके सानिध्य में गुजरा है और कई ऐसे नेपाल में परिवार है जिनके संबंध उनसे रहे हैं, ब्रह्मपुर से नेपानगर से। देश को गौरवान्वित किया है, प्रदेश को गौरवान्वित किया है, भैया ने नगर को गौरवान्वित किया है। और ये ऐसी क्षति है जिसकी पूर्ति न भविष्य में हो सकती है न कभी हो सकती है।